I am Farah Daud, Junior Section Head from PMS Girls 2 Branch. Today I am here to give you some suggestions and guidelines about the nursery prep students. During these days, you all know that we are missing the work task because of this viral disease and we can't continue our schooling system regularly. इन दिनों बच्चों के हमारा जो टास्क मिस हो रहा है ये बहुत प्रीशियस डेज है बिकॉज इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द सेशन. सो हमने कुछ इस तरह का प्लान किया है कि जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलते और रूटीन लाइफ दोबारा से स्टार्ट नहीं होती तब तक घर में जो बच्चे हैं स्पेशली नर्सरी के और प्रेप के तो वो कम अज़ कम ऑनवर्ड्स और क्लासेस के लिए भी टास्क रेडी हो रहा है और रेडी हो भी चुका है. बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नर्सरी एंड प्रेप. सो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो नर्सरी और प्रेप के स्टूडेंट्स हैं उनके घर में उनको टास्क कोरियर के थ्रू मिल चुके हैं या मिल रहे हैं और होपफुली आप लोगों ने वो टास्क रिसीव कर लिए होंगे. तो पहले बात करते हैं अबाउट नर्सरी. नर्सरी स्टूडेंट्स में हमारे पास जो न्यू एडमिशन्स आते हैं उसमें मोस्टली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्री नर्सरी भी नहीं की होती और वो डायरेक्ट नर्सरी में पेरेंट्स उनको एडमिशन करवाते हैं और उनके लिए ये डेज बहुत प्रीशियस हैं बिकॉज इनका स्टार्ट है कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल एंड व्हाट इज़ पेंसिल इवन. कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता मोस्टली बच्चों को जिनके घर में और छोटे बड़े बहन भाई नहीं हैं तो डेफिनेटली उनको बुक्स और कॉपीज और पेंसिल्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता. बाहर कैफ हम लोगों ने ये जो टास्क प्रिपेयर किया है इट इज़ कोप अप फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ नर्सरी स्टूडेंट्स. आपको जो टास्क मिलेगा उसके स्टार्ट में स्ट्रोक शीट्स हैं डॉटेड फॉर्म में कुछ लाइंस हैं जिन पे आपने ये हमें हेल्प आउट करना होगा कि आप अपने बच्चे को लेकर बैठें और प्रॉपर पेंसिल की ग्रिप देकर उन स्ट्रोक लाइंस पे बच्चों को वो लाइंस ड्रॉ करवाएं. कुछ स्ट्रोक्स वर्टिकली हैं कुछ हॉरिजेंटली हैं कुछ सेमी सर्कल फेस में हैं और हर बच्चे का अपना कैलिपर है कि वो इन स्ट्रोक शीट्स को कितनी जल्दी कवर अप कर लेता है. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत फर्मली पेंसिल को ग्रिप करके और वो स्ट्रोक शीट्स कवर कर रहा है तो इट इज़ एक्सेलेंट. लेकिन बास बच्चे पेंसिल की ग्रिप इतनी जल्दी नहीं लेते तो उनके लिए ये बेहतर है कि पेरेंट्स उन वर्कशीट्स की कुछ फोटोकॉपीज करवा लें और वो प्रैक्टिस उनको दें ताकि ये वर्कशीट्स कवर होने तक बच्चों की ग्रिप ऑफ पेंसिल प्रॉपर हो चुकी हो. इसके अलावा स्ट्रोक शीट्स के बाद आप लोगों की कलरिंग शीट्स आती हैं और हमने कलरिंग शीट्स में इस चीज़ को ये इस तरीके से रखा है कि कलर्स के साथ साथ बच्चा कलर्स के साथ साथ आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं तो वो उनकी रिकग्निशन भी उन बच्चों के लिए आसान होती जाए. आफ्टर दीज कलर्स एंड दीज स्ट्रोक्स अप्रैल के एंड तक आपका बच्चा इस लेवल तक इंशाल्लाह होपफुली आ जाएगा कि वो बच्चा चीज़ों को पहचान सके कलर रिकग्निशन उसकी somehow strong हो चुकी हो और at the end of these worksheets आपके पास कुछ ऐसी worksheets भी आएंगी जिसमें से बच्चे ने sort out करना होगा कोई भी object या कोई भी fruit different fruits के बीच में से. तो ये उसका एक mental level को enhance करने का way है हमारा कि वो activity sheets के through ये सारा काम properly कर सके. but आपकी guideline आपके बच्चे के साथ बैठना और उसको ये काम कराना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की इस एबिलिटी को कवर करने के लिए. सो इन द स्टार्ट ऑफ मे मंथ आपको दूसरी वर्कशीट्स इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे और उन वर्कशीट्स में इस वर्कशीट्स से अकॉर्डिंगली आगे का जो प्रॉपर अल्फ़ाबेट जहाँ स्टार्ट हो जाते हैं हम इंशाल्लाह वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड. ये तो रिटन वर्क से रिलेटेड चीज़ है. आपके पास कोर्स डेफिनेटली आप लोगों ने बाय कर लिया होगा और उस कोर्स में हमारे पास नर्सरी के लिए जनरल नॉलेज बुक है जिसका स्टार्ट जनरल नॉलेज है और बैक साइड से इस्लामियात स्टार्ट हो रहा है. तो इनके इनिशियल क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इजीली बच्चों को रिपीट करवा करवा के
क्लियर करवा सकते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज करवा सकते हैं ताकि बच्चा इस चीज़ से भी इन टच हो। और उसके लिए एक बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, लाइक उसे ये ना लगे कि बस वो पेजेस पे ही काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट लूज ना हो। सो साइड बाय साइड यू शुड इंट्रोड्यूस दिस जनरल नॉलेज बुकलेट आल्सो टू द नर्सरी स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ आप लोगों ने बच्चों को वर्बली मोरल लेसन्स और कर्टेसी वर्ड्स और ये सारी चीज़ें जो कि टीचर ड्यूरिंग दीज डेज करवाती रहती है, यानी उसकी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल होती है, आप लोगों ने ये चीज़ अब घर में हमें हेल्प करनी है ताकि आपका बच्चा बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ इंशाल्लाह जब स्कूल खुलें तो ना आए। होपफुली आप लोगों को नर्सरी के लेवल से कुछ टिप्स ईजिली मिल गई होंगी मेरे थ्रू। अब चलते हैं प्रेप की तरफ। प्रेप एक ऐसा एरिया है जिसमें बच्चा नर्सरी करके प्रेप में प्रमोट होता है, जो कि काफ़ी हद तक पंक्चुअल और उसको ये तमाम स्टेशनरी और बुक्स और ये सारे लेवल्स पता चल चुके होते हैं, इवन दो उनको अल्फाबेट्स की पहचान होती है और वो नर्सरी को प्रमोट करते हैं आफ्टर गेटिंग ऑल द अल्फाबेट्स लाइक इंग्लिश ए टू जी, उर्दू अलिफ से ये एंड मैथ 1 to 50 काउंटिंग। तो इसके लिए हमने प्रेप की जो वर्कशीट्स फॉर अप्रैल मंथ प्रिपेयर की हैं उसमें हमने थॉरली पूरा रिवीजन दिया है नर्सरी के कोर्स का। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपका बच्चा कर चुका है। सो आपको थोड़ा सा इजी है प्रेप के पेरेंट्स को कि आप उनको बिठाएं दिन में, और इसमें हमने कुछ टाइम टेबल भी आप लोगों को दिया है कि ड्यूरिंग द 7 days ऑफ द वीक आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह डे वाइज एक एक सब्जेक्ट की वर्कशीट करवाएं ताकि बच्चा जो है जो नर्सरी में करके आ चुका है वो इससे इन टच रहे। इंशाल्लाह मई में जो आपको प्रेप की वर्कशीट्स मिलेंगी वो थोड़ी सी इन्हेंस्ड होंगी, थोड़ी सी एडवांस होंगी और उसमें कुछ नई चीज़ भी बच्चे को मिलेगी करने के लिए जो कि उसकी प्रेप क्लास से रिलेटिव प्लानिंग का हिस्सा है। तो होपफुली मैंने जो थोड़ी सी आपको गाइडलाइन टिप्स दी हैं उसमें आप हमारे हेल्प करने के लिए मौजूद रहेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों को रूटीन में बिठा कर दिन में 1 घंटा किसी भी टाइम मॉर्निंग जब आप लोग अपने घर के कामों से फारे हों, स्पेशली मदर्स और फादर्स भी अगर घर में या बड़े बहन भाई भी मौजूद हैं तो वो भी आराम से छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। Wish you all the best. Stay safe and stay blessed for the remaining time. Thank you so much. Allah Hafiz.